हाय गाइस, वेलकम टू लैब। समय हो चुका है 10:30 का और लैब पे आप सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी लेक्चर को ज्वाइन कर लो एकदम स्पीड के संग। कल के क्लास में आपका रिस्पांस देख के भाई मन एकदम तृप्त हो गया था, कसम से बता रही हूँ। इतना ज्यादा बेहतरीन रिस्पांस कल के मॉक टेस्ट में आपका आया था, मतलब कमेंट पे नजरें जाने से, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि इतने तेज कमेंट आ रहे थे कि मतलब आई वाज रियली नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन कौन सा कमेंट कर रहा है। मजा आ गई थी, इतना एनर्जी कल आप लोगों ने टेस्ट में दिखाई रात में 10:30 वाले टेस्ट में। पर यार वो ये जो ऐसा ये एक ऐसा लेक्चर नहीं है कि आपने कल एनर्जी दिखा दी आज नहीं दिखाओगे। मैंने कल एनर्जी दिखाई ना, मैं आज भी दिखा रही हूँ। आपने कल एनर्जी दिखाई, आप आज भी दिखाओगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर में जुड़ जाइए सब लोग और शुरू करते हैं आपका कार्यक्रम 10:30 वाला मॉक टेस्ट का। ये रहा शेड्यूल और शेड्यूल आप लोगों को अब तो याद हो ही गया होगा क्या है शेड्यूल, एक बार देख लेते हैं। 7:30 होती है द हिंदू की क्लास और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्लास करी भी है। सो 7:30 द हिंदू की क्लास का टाइम है, ये याद होगा। फिर उसके बाद आपका रात में ये क्या हो गया भाइयों, फिर रात में 10:30 आपका होता है, ये क्या है भाई, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। फिर रात में 10:30 आपका ये वाला मॉक टेस्ट होता है, 7:30 द हिंदू, 8:30 मॉक टेस्ट। ये दोनों लैब के लेक्चर हैं और 8:30 चल रही है फ्री चैंपियंस सीरीज। चैंपियन सीरीज का टाइम है 8:30, ठीक। चलो अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, जो भी मॉक टेस्ट करा रही हूँ, इसकी आपको PDF एज इट इज मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस चिल मार के क्लास करते रहिएगा आप लोग। आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी 11:30, ठीक। 10:30 11:30 पे आपको मिल जाएगी। चलो, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी, एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक। मैं 5 तक गिनूंगी और फिर मैं पहला क्वेश्चन दे दूंगी। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 5 के 5 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4 और आखिरी है 5। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। बैनर का आपको पूछा गया है सिनोनिम, मार्च होगा, रैली होगा, पोस्टर होगा या फिर प्रोटेस्ट होगा। और ये रहा आपका टाइमर। कल मैंने 7 सेकंड दिए थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैम टाइम और दीजिए, तो मैंने बहुत विचार किया, बहुत विमर्श किया और फिर मैं इस रिजल्ट पे पहुंची हूँ कि यार सही में मुझे और टाइम देना चाहिए। कल मैंने 7 सेकंड दिया था, कम से कम 8 सेकंड तो देने चाहिए, है ना। चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ सब लोग। टाइम आपका खत्म हो चुका है, समय आपका खत्म हो चुका है। बैनर, बैनर ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, बैनर का मतलब क्या होता है? बैनर का मतलब होता है जैसे किताब है, किताब के बाहर का जो टाइटल होता है, जो फ्रंट पेज होता है, जो पोस्टर होता है। सो आपसे सिनोनिम पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पोस्टर। यार मार्च रैली, मार्च और रैली क्या होता है, आपने कभी करी है? लेफ्ट राइट लेफ्ट रैली पे निकलते थे बचपन में, क्लास 7th-8th पे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे रैली होती थी, वो हम रैली कहते हैं, मार्च पास्ट रैली। प्रोटेस्ट क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट तो होता है आंदोलन, आंदोलन। कई बार आपने देखा था अभी SSC में भी कुछ बच्चों ने मिलकर आंदोलन किया था कि जॉब नहीं आ रही, याद है ना, दिल्ली में काफी आंदोलन होते रहते हैं, तो उसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं आंदोलन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यानी कि 4 में से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखो एलाइट क्लास का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत ही स्टेटस जिसका बहुत हाई होता है। देखो पेटीट कोई वर्ड नहीं होता, इट इज पेटाइट, PETITE, और पेटाइट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल इन साइज या फिर स्मॉल इन शेप। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, कोई चीज ठोस होती है ना तो उसको हम कंक्रीट कहते हैं। और सेक्रेट का मतलब कैसे याद करोगे? सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट को क्या किया जाता है? सीक्रेट को छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है, तो सीक्रेट से याद कर लीजिएगा सीक्रेट। सीक्रेट का भी मतलब होता है छुपाना और हाइड करना, ठीक, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब्सॉल्व वर्ड है 4 सिनोनिम से, एक्यूज, कंडेम, अटैक एंड पार्डन। आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका सिनोनिम क्या होगा, स्पीड में आंसर दीजिए, कम ऑन।
अब्सोल्व का अक्यूज, कंडेम, अटैक या फिर पार्डन। अब्सोल्व का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना। बाइज्जत बरी करने का मतलब होता है किसी को गिल्ट फ्री करना। गिल्ट फ्री करना मतलब पार्डन कर देना, माफी दे देना। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अटैक, अटैक से मिलता जुलता शब्द जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है असॉल्ट। असॉल्ट वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एम्बुश वर्ड बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एम्बुश वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? बुश के पीछे से छुपके उसने अटैक किया, तो एम्बुश हो गया, असॉल्ट हो गया। इन सब का मतलब होता है अटैक करना। कंडेम वर्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना यानी कि किसी को नीचा दिखाना। एक और शब्द होता है क्रिटिसाइज से मिलता जुलता, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जल्दी बताओ, सी से शुरू होने वाला है यार, कास्टिगेट। यस, कास्टिगेट, ये भी वर्ड बहुत आता है आपके एग्जाम में। और कास्टिगेट को याद करने का तरीका बताऊं, वो बंदा किसी और कास्ट का था तो उसको गेट के बाहर रखा गया। वो पहले जमाने में ये बहुत होता था कि यार वो छोटी जात का है, वो ऊंची जात का है, वो नीची जात का है, तो उसको गेट के बाहर रखो। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो उसको। तो कास्ट दूसरी है, गेट के बाहर रखना। कास्टिगेट से बना क्रिटिसाइज, नीचा, कंडेम, चाइड। ठीक, फिर आ जाएगा आपका अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर अक्यूजेशन लगाना, ब्लेम लगाना, चार्जेस लगाना। तो ये आपका हो गया अक्यूज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। आंसर से मतलब नहीं है, आपको कल भी ये समझ में आ गया होगा टेस्ट देके। आंसर से मतलब नहीं होता, मुझे मतलब होता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हो यहां से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम बताना है आपको फेक्यूएंट का। बैरन, पोलाइट, जीनियल या फिर रूड। देखो आपको समझ में तो आएगा ही, साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। जल्दी से करेंगे। देखो फेकेंट का मतलब होता है कि फसल जो बहुत उपजाऊ होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जो फसल होती है, उपजाऊ है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो फेकेंट है। फेकेंट मतलब फसल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, तो फेकेंट बन गया। फिर आ जाएगा इसका ऑपोजिट पूछा है, तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ का उल्टा क्या हुआ? बैरन है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी पोलाइट वर्ड का मतलब तो है बहुत ही नम्र शब्दों में, बात करना, मतलब ये पोलाइट हो गया। जीनियल हो और चाहे को जीनियल हो, चाहे आपका फ्रेंडली हो, सबका मतलब होता है मिलनसार। अच्छा, जब भी फ्रेंडली वर्ड आता है ना, तो तीन शब्द हमेशा याद रखना। एमी एबल, ध्यान से सुनना, एमी एबल। फिर आता है आपका एमी केबल, एमी एबल, एमी केबल और एफेबल। यार ये तीन शब्द ना हमेशा याद रखना जब भी बात होती है आपकी फ्रेंड की, एमिटी। मुझे याद आया जीनियल देख के, जीनियल, को जीनियल, एमीएबल, एफेबल, एमी केबल, इन सब का मतलब होता है मिलनसार, दोस्ती, यारी, मिलनसार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका द आर्मी मार्च्ड फियरलेसली टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। 9 सेकंड ले लो यार इसके लिए, तुम भी क्या याद करोगे, बरखा मैम से पाला पड़ा था। 9 सेकंड ले लो इस सवाल के लिए। ये जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो ये वर्ड है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? फियरलेस किसको डिफाइन कर रहा है? मार्ज्ड को। और मार्ज्ड क्या है? ये एक्शन है, ये वर्ब है। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला शब्द क्या होता है? वर्ब को डिफाइन कर रहा है मतलब एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब के एंड में एलवाई लगता है, तो यहाँ पे फियरलेस नहीं, फियरलेसली आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर, फियरलेसली। Agreed? आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। अच्छा, एक बात मैं बता दे रही हूँ, चूंकि यहाँ पे राइटर आया इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब राइटर का मतलब आप समझ रहे हो, वो जो लिखता है उसको राइटर कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है गेव टू प्रूव हिज पॉइंट, ये जो सेंटेंस है ये सही है कि गलत है, बस इतना बता दो। एक सेकेंड, जल्दी से, आपके सेंटेंस में आया है व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द ऑथर गेव। आप
गेव टू प्रूव्ड हिज पॉइंट, या टू के बाद ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डी गायब हो जाएगा, तो टू प्रूव इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर टू. अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज बोल रही थी, अभी मैंने सोचा कि आप आंसर दे लो फिर बताऊं. राइटर से तीन स्पेलिंग्स बनती हैं, ठीक है, और वो तीनों एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है. सबसे पहली स्पेलिंग, एक तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार इसमें, राइटर, एक तो हो गया आपका रिटन और एक हो गया आपका राइटिंग, ठीक है. रिटन में आपके में डबल टी आता है, राइटिंग में सिंगल टी आता है, राइटर में भी सिंगल टी आता है. तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग साथ साथ सीखोगे ना, जैसे कि मैंने जब भी किसी बुक में देखा है ना, तो मुझे मैं हमेशा ये सोचती थी कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना के बगल में क्यों नहीं लिख दे रहे हैं कि भाई ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है राइटर और रिटन के बीच में डिफरेंस, राइटिंग में टी और राइटर में रिटन में डबल टी और राइटिंग में सिंगल टी. फिर आता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक. जमुना फाउंड एन ओल्ड नेकलेस एंड गोल्ड बैंगल्स इन द कबर्ड, जमुना लड़की का नाम था. ये आपके पास चार ऑप्शन है और ये रहा आपके सामने मेरा पोल. बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है. देखो, जमुना को क्या मिला, एन ओल्ड नेकलेस. अब हमने एक चीज देखी, ये जो ओल्ड वर्ड है ना, साउंड कैसा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कलर चेंज करना चाहिए पेन का. जब हमने ओल्ड पढ़ा ना, ओल्ड, तो साउंड कैसा आ रहा है, ओ का. कभी भी कोई भी वोवल साउंड आए, अ ई उ या फिर ओ, तो फिर वहां पे हम एन लिखते हैं. पर जब हमने इस गोल्ड को पढ़ा, गो को, तो ग का साउंड आ रहा है. फिर से बात मेरी ध्यान से सुनिए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ ए आए ओ आओ. सुनिएगा, जब भी आप किसी शब्द को बोलो और शब्द को बोलने पे इस लिस्ट का कोई भी साउंड निकल के आ रहा है, जैसे आपने शब्द बोला और इस लिस्ट का कोई भी साउंड निकल के आ रहा है, तो वहां पे एन होगा. अगर साउंड नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे अ होगा. अब जैसे हमने ये गोल्ड पढ़ा, तो गोल्ड हमने पढ़ा तो साउंड क्या सुनाई दिया, ग का. क्या इस लिस्ट में ग आ रहा है, नहीं, इस लिस्ट में ग नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे अ होगा, ठीक. अ पेयर, एक पेयर है ना, तो अ पेयर हो जाएगा. अ पेयर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो दिस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, आपसे पूछा गया है, ये एक idiom दिया गया है, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, और चार ऑप्शन है. आपसे पूछा गया है कौन सा इसका आंसर है. एक्सेप्टिंग समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, अग्रीइंग टू एन आइडिया, मेकिंग पेंसिल स्केचेस, कमिंग टू अ कंक्लूजन. सो क्या आपका करेक्ट आंसर है, सोचो, दिमाग चलाओ और आंसर दो. ड्रॉइंग द लाइन एट समथिंग, ड्रॉइंग द लाइन एट समथिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यार बस अब हो गया, होता है ना, बस अब हो गया, अब ये लाइन आपने खींच दी कि इससे ज्यादा किसी ने बदतमीजी करी तो मैं सीधे पुलिस रिपोर्ट जाके लिखवाऊंगी, बस अब हो गया. यू हैव ड्रॉन द लाइन, मतलब आपने बता दिया बस इतना है जो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, इससे ऊपर नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपने लाइन बना दी कि इससे आगे अब मत बढ़ना, इससे आगे बढ़े तो बवाला हो जाएगा. आई हैव ड्रॉन द लाइन, इससे आगे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो इसको भी पढ़ते हैं. Several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about the hand hygiene. ठीक है, हाँ, और ये तो है, कोरोना के टाइम पे बहुत से फिल्म स्टार्स आ रहे थे टीवी पे हैंड्स की हाइजीन बताने के लिए कि यार कितना, अगर हाइजीन सही मेंटेन रखोगे तो वायरस से बच सकते हो, ये सब बताने के लिए. ठीक है, ऐसा तो था भी, आ भी रहे थे. मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर देना आप सब लोग, अगर मैंने यहां पे लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी इंसान की जगह पे, ऑन बिहाफ ऑफ समवन, ऑन बिहाफ ऑफ समवन यानी कि किसी इंसान की जगह पे. यहां पे ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कोई इंसान थोड़ी ना है, ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, तो ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कोई इंसान थोड़ी ना है. ऑन बिहाफ ऑफ के बाद में
हमेशा पर्सन आता है ना, जैसे मैंने बोला कि ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑफिस, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हर, आईफा अवार्ड्स में भी आपने देखा होगा कि यार ये प्रेजेंट नहीं है तो इनके बिहाफ पे मैं अवार्ड ले रही हूँ, या फिर अपने ऑफिस के बिहाफ पे मैं दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ के बिहाफ पे आप दोगे ना, किसी पर्सन के, किसी कमिटी के बिहाफ पे दोगे। यहाँ तो अवेयरनेस लिखा है तो ये गलत है, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रेज अवेयरनेस, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस की जगह पे आप लिख सकते हो टू रेज अवेयरनेस, ठीक है। फिर है आपके सेंटेंस में आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, द काउंटर क्लर्क आज द विजिटर व्हाट इज योर नेम। सिर्फ और सिर्फ आप इसको करोगे, ये रहा आपका टाइमर 10 सेकंड के आंसर, कसम से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा अगर आपने इसको एलिमिनेशन से किया जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसे। समझो, सबसे पहले हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो जाहिर सी बात है आग जाएगा, क्वेश्चन मार्क है तो जाहिर सी बात है आग जाएगा। अब आग आपका यहां दिया है, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, और यहां पे हैज आग हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत थी, क्या इस सेंटेंस में 9 सेकंड भी मुझे देने की जरूरत थी? नहीं थी, 9 सेकंड भी मुझे देने की जरूरत नहीं थी, 4 या 5 सेकंड में मात्र ये सवाल हो गया है। यहाँ पे क्लियरली देखो आपके सेंटेंस में द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर हिज नेम, हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा। आपके टू में आस्क दिया था, यहाँ पे आस्किंग दिया था, यहाँ पे हैज प्रेजेंट ही हो गया था, तो 4 में से 3 कट गए, तो जो बचा वही तो करेक्ट आंसर होगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड की पावर। अब अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे होते, सोचो आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, यहाँ पे ना पीछे पढ़ने की जरूरत है ना आगे पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको पता है कौन सा शब्द किसमें चेंज हो रहा है तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे पीछे, बहुत टाइम बचता है। एलिमिनेशन मेथड से करना जैसे मैंने पढ़ाया है एग्जैक्टली वैसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है डेटर, और ये रहा आपका पोल 8 सेकंड मिलेगा, देख पाओ देख लो, ना देख पाओ ना देखो। देखो डेटरिंग का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब क्या होता है, आपसे क्या पूछा है, अच्छा आपसे ऑपोजिट पूछा है। तो डेटरिंग का मतलब होता है किसी के रास्ते में किसी का काम डीले करना, है ना, किसी के रास्ते में बाधा पैदा करना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है अच्छे काम के लिए इग्नाइट करना, प्रवोक करना। इनसाइट का मतलब होता है आप इनकरेज कर रहे हो, तो इनसाइट को याद करने का सटीक तरीका बताओ, सिनोनिम याद करने का, इनसाइट, इग्नाइट और इंस्टिगेट, हमेशा एक साथ लिखा करो, तो कभी ना आपको अलग से बैठ के नहीं याद करना पड़ेगा। इग्नाइट, इनसाइट और इंस्टिगेट, इन तीनों का मतलब होता है प्रवोक करना, इनकरेज करना। डीले, डेटर का मतलब होता है डीले करना या फिर प्रवो रास्ते में बाधा पैदा करना। और डिसवेड का भी मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो रोक लगाना, डिसवेड करना मतलब कि रोक लगाना, रोक लगाना, बाधा पैदा करने को। आई से शुरू होने वाले 2 शब्द, इतने दिनों से मेरे संग मॉक कर रहे हो, अब तो याद हो ही गया होगा जो भी शुरू से कर रहा है, क्या क्या है, एक है आपका इम्पीड और एक है इम्पासे। भाई जहां मौका मिले उतनी बार लिखा करो, आप मुझे देखते हो, मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां पे लिखती हूँ, बहुत बार लिखती हूँ, इसीलिए तो दिमाग में सब कुछ चलने लगता है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कोई, मेरी बुद्धि कोई भगवान ने खुद बैठ के बनाई है कि यार बरखा है इनको बहुत अच्छी बुद्धि दूंगी, यार प्रैक्टिस जब आप करो, बार बार लिखो तो दिमाग में चलने लगता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2+2 क्या है, 2+2 क्या है, आप बोल दोगे 4, मैंने कहा वाओ इतने तेज कैसे किया, मैं ऐसे तो बोलूंगी नहीं ना, क्योंकि यार जो चीज इतनी बार करे हो तो दिमाग में तो आ ही जाएगी। तो जहां मौका मिले, जितना मौका मिले, यार मेरी 2 क्लासेस होती हैं लैब पे, आपको पता है, एक क्लास मेरी सुबह सुबह 7:30 बजे होती है, एक अन अकेडमी पे होती है 8:30 बजे फ्री चैंपियन सीरीज, एक ये वाली क्लास है जो 10:30 पे चलती है। तो यार ये सारी चीजें जब आपके पास है मेरे संग, इतनी जितनी बार आओ उतनी बार आंसर करो, याद हो जाएंगी चीजें। चलो, द स्टेट ऑफ बींग सब्जेक्टेड टू डेथ, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और जहां तक मुझे लग रहा है कि काफी स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग काफी लोग इसको शायद गलत करो। देखो द स्टेट ऑफ बींग सब्जेक्टेड टू डेथ,
उसको कुछ लोग डेडली लिखेंगे, यार डेडली थोड़ी ना करेक्ट आंसर है, डेडली का मतलब तो होता है डेंजरस, डेडली वायरस, डेंजरस, डेंजरस वायरस। अगर मैंने बोला कि दिस थिंग इज रिलेटेड टू डेथ, डेथ से रिलेटेड हर चीज को बोलते हैं मॉर्टैलिटी, और उसका ऑपोजिट फॉरएवर को बोलते हैं इमॉर्टैलिटी। मैंने याद करने का एक तरीका चलो बता दे रही हूँ, जिसको नहीं पता है देख लो। देखो म से होता है मरना और म से होती है मॉर्टैलिटी, तो जहां मॉर्टैलिटी का मतलब होता है मरना, यानी कि एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है इमॉर्टल, यानी कि कोई चीज अगर अमर है, अमर का मतलब हो गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, एटर्नल, ठीक। अब आपका सिर्फ थर्ड वाला बचा है मॉर्बिटी। यार द हिंदू में मैंने बहुत बार ये शब्द कराया, मॉर्बिटी का मतलब होता है, कोरोना के टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं कि यार अगर किसी इंसान के अंदर कुछ बीमारियां हैं ना, बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां, कुछ बीमारियां हैं तो उसको हम मॉर्बिटी कहते हैं, अगर किसी के अंदर कुछ बीमारियां हैं तो। फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, आपको एंटोनिम बताना है हार्मनी का। हार्मनी का मीनिंग तो सिंपल है, सभी को पता होगा। एंटोनिम बताओ, हार्मनी का मीनिंग तो सिंपल है, सभी को पता होगा, है ना। देखो हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है पीस, लव, है ना, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। रैपोर्ट का भी मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। अच्छा, अब इसी बात पे अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया कि जहां पे मौका मिले कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया करो। अभी अब फ्रेंडशिप, रैपोर्ट, पीस, अभी मैंने आपसे बताया था ना कि कभी भी फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई भी बात हो तो एमी से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखना शुरू कर दो। तो कौन कौन से मैंने वर्ड्स कराए हैं, एमीएबल, एमीएबल, एमीकेबल, एफेबल, ये सारे वर्ड्स मैंने कराए हैं ना, एमीएबल, एमीकेबल, एफेबल, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडशिप से रिलेटेड। हेट्रेड का एक सिनोनिम बताऊं, अबॉम्बिनेशन, अबॉम्ब, बी ओ एम बी, अबॉम्बिनेशन। अबॉम्बिनेशन का मैं आपको मीनिंग बताऊं कैसे याद करना है, यार बॉम्ब, अगर किसी शहर पे बॉम्ब आप गिरा रहे हो मतलब आपको उस शहर से नफरत है, तो अबॉम्बिनेशन किससे बना, बॉम्ब गिराने से, ठीक, मतलब हेट्रेड, जब हेट्रेड है तभी तो वहां पे बॉम्ब गिराया है, तो ये याद करने का तरीका है, अबॉम्बिनेशन मतलब हेट्रेड। फिर आ जाता है इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डू नॉट वरी, करो सब लोग करो। इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डू नॉट वरी, पास्ट क्यों बीच में अचानक से ले आए, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा था तो ईजी था ये। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि चार में से आपके तीन सही हैं, एक गलत है, जो गलत है आपको वो बताना है। सभी लोग इसका सही आंसर देंगे ऐसा मुझे लगता है, आई रियली बिलीव कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। यार इतना इजी वर्ड तो था, रिफर्बिश, सैंक्टिटी, ऑटोमेटेड, सब सही है। यार ये गलत है, एस्केलेटर में डबल एस थोड़ी ना आता है, एस फिर बाकी पूरा सही है, सी ए एल ए टी ओ आर, एस्केलेटर्स मतलब होता है सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ चलती हैं, एलिवेटर, एस्केलेटर, इन सबका मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, एलिवेशन, मूवमेंट ऊपर की तरफ होना। फिर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक है, द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड इट्स डैश अगेंस्ट द एगिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने अपनी डैश को हार्डन कर दिया है और कर्फ्यू लगा दिया है कुछ एरिया में, तो वहां पे डैश पे क्या आएगा, मैनर, ओरिएंटेशन, बियरिंग या फिर स्टेंस। देखो बियरिंग का मतलब तो होता है बर्दाश्त करना, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ओरिएंटेशन किसी चीज की शुरुआत, तो ये तो बड़े वेग मीनिंग है, यहाँ पे नहीं आएंगे। या तो आपको लग रहा होगा मैनर, या तो लग रहा होगा स्टेंस। यार मैनर का मतलब तो होता है तरीका, गवर्नमेंट का जो तरीका है वो हमेशा सेम रहता है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है अभी लीगली काम कर रही है कल इलीगली करेगी, मैनर हमेशा सेम रहेगा लेकिन रवैया बदलता है, तो रवैया को बोलते हैं हम स्टेंस, कि यार इस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो यहाँ पे एस टी ए एन सी स्टेंस आ जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ।
टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ये आपके सामने idiom दिया गया है, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, टू एक्सेप्ट डिफीट बिफोर अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, टू इन्वेस्ट मनी इन एन इन्फ्लेशनरी मार्केट, टू गो टू अ हंटिंग एक्सपेडिशन. क्विकली यार, अगर कोई सांड है और आप, मैंने बोला कि भाई सांड से बचो, आपने सांड को बचने का तरीका एक ढूंढा है कि उसी की सींग पकड़ ली. मतलब सोचो ना कि प्रॉब्लम को डील आप कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा पकड़ के. टू डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, सामने से आप डायरेक्टली कर रहे हो. इमेजिन किया करो यार, बुल है, आपने उसका सांड पकड़ लिया, सांड का सींग पकड़ लिया, है ना. मतलब आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम से डायरेक्टली फेस टू फेस मुकाबला चल रहा है भैया, RRR मूवी बन रही है. चलो, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, गजब का सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में. मर्डरिंग वंस ब्रदर, ब्रदर को मारने को क्या कहते हैं. अच्छा एक बात बताइएगा, आप सब लोग ऐसे लोग सच में होते होंगे क्या? मतलब भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, माँ बाप को मार दिया, ऐसे लोगों को मुझे तो लगता है शॉर्ट में एक साइको वर्ड देना चाहिए. एनीवेज, ब्रदर को मारने के लिए जो वन वर्ड बना है वो है फ्रैट्रीसाइड. अगर ब्रदर की जगह सिस्टर होता तो क्या हो जाता, सोरो, और बाकी रीसाइड सेम रहता, सोरोरीसाइड. ठीक, बहन को मारने के लिए, भाई को मारने के लिए फ्रैट्रीसाइड, पिता को मारने के लिए पैट्रीसाइड, माता को मारने के लिए मैट्रीसाइड. मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, इसीलिए पिता और माता बोल रही हूँ. पिता से पैट्री, माता से मैट्री, बहन से सोरोरी, सिस्टर से है ना तो सोरोरी, भाई से फ्रैट्री. रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, और जीनोसाइड मतलब होता है पूरी की पूरी जीन्स को खत्म कर देना, इसको बोलते हैं जीनोसाइड. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन, चाहे आपके क्वेश्चन में क्लाउड नाइन दिया हो और चाहे आपके क्वेश्चन में सेवेंथ हेवन दिया हो, ठीक है, क्लाउड नाइन दिया हो या सेवेंथ हेवन दिया हो, दोनों का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर वन, एक्सट्रीमली हैप्पी, दिस इज योर करेक्ट आंसर. यार आप तो आपने हिंदी में सुना होगा, यार आज मैं सातवें आसमान पे हूँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, गाना सुना है ना, तो बहुत खुश होना, सातवें आसमान पे, क्लाउड नाइन पे होना. अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस. अच्छा जी, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मेडले और ऑर्केस्ट्रा दोनों ग्रुप होता है. मेडले का मतलब हो गया ग्रुप और सॉन्ग्स, और ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या हो गया, जो आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उनको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स को मेडले, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रा. अरे हाँ एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड यहीं पे आप सब लोग रुको, एक बार बैनर है इसको पढ़ो. 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा के मैंने ये 3 गलतियां स्पॉट करी हैं जो हर एक बंदा इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे करता है. मैंने किसी पेपर का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे कि मैंने CGL, CHSL, MTS, बैंक, इंश्योरेंस किसी की बात करी हो, नहीं. जो 3 गलतियां हैं जो हर एक बंदा करता है अंग्रेजी पढ़ने के टाइम पे, और आप जब मेरा लेक्चर देखोगे तो आप कहोगे हाँ मैम ये तो है. ये लेक्चर आपका कल होगा शाम को 5 बजे. इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये लेक्चर मैं सिर्फ तभी कंडक्ट करूंगी जब अभी के अभी आप जाना, डिस्क्रिप्शन खोलना, इस लेक्चर के लिंक को क्लिक करके लाइक पे क्लिक करना, 500 से ऊपर लाइक्स आप यहाँ पे करो तब मैं ये लेक्चर कंडक्ट करूंगी. मैं देखूं भी तो कि मुझे बताने में मैं इंटरेस्टेड हूँ या आप जानने में भी इंटरेस्टेड हो. ठीक है, पता चला मैं आपके लिए छोले भटूरे, चाउमिन, नूडल्स सब लेके आ गई, और मैं बड़े मन से लाई हूँ, और आपने देखा भी नहीं. क्यों? क्योंकि आपने जस्ट 1 घंटे पहले खाना खाया था, आपकी इच्छा ही नहीं है. तो यार
वही चीज में इंटरेस्ट आता है जब दोनों की तरफ से इंटरेस्ट लेवल हायर हो। मुझे तो पता है, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी और ये गलतियां आप मत रिपीट करना। कल 5 बजे होगा, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन खोल के लाइक बटन पे क्लिक करना इस लेक्चर के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हाँ जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं मैं आपको बता दूं, क्लोज टेस्ट के बाद टेस्ट नहीं खत्म होता है। क्लोज टेस्ट के बाद हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं और बहुत तेज स्पीड में उसमें आंसर आते हैं। तो क्लोज टेस्ट के बाद रुकना, इसके बाद रैपिड फायर राउंड होगा, ठीक। चलो मैं क्लोज टेस्ट पढ़ दे रही हूँ। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। To the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere. Actually, में क्या होता है, overall atmosphere जो है ना उसका temperature rise कर गया। आप देखो ना, पहले जून में पानी बरसने लगता था, नहीं बरसा, ठीक है। तो सब के लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग फिलहाल responsible है। The planet Earth, it is true that there dash activities taking place which have been increasing the temperature. बोल रहा है कि यार ये बात सही है बोलना कि कुछ activities ऐसे हो रही है जिसके वजह से अर्थ का एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। The first impact of global warming is melting of dash. जो पहला impact है global warming का वो होता है melting of dash. क्या? आगे पता चलेगा. In a rapid way, बहुत ही speed में melting of something. This is extremely harmful to the earth as well as to inhabitants. और ये जो temperature बढ़ रहा है, जो global warming है, ये earth के लिए भी harmful है और जो वहाँ पर लोग रहने वाले inhabitants हैं उनके लिए भी ये harmful है. तो दोनों के लिए ही ये harmful है, ठीक। तो इतनी चीज हम लोगों को पता चल गई है। अब ये रहा आपका पहला ब्लैंक, सब लोग आंसर करो। आपको बताना है यहां पे, यहां पे क्या होगा ये आपको बताना है। सभी लोग स्पीड में आंसर करेंगे। ठीक है, सो एक सेकेंड कहाँ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। इट डैश टू दी, मतलब इट रिफर्स, बताया जा रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर। पहले हमने शब्द दे दिया, फिर हमने उसकी डेफिनेशन दी। तो जब पहले शब्द है उसके बाद डेफिनेशन है, तो हम क्या लिखेंगे? इट रिफर्स टू दिस। फिर अब आपको बताना है ब्लैंक नंबर टू, यानी कि यहाँ पे क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है और ये रहा आपका टाइमर। सभी लोग आंसर देंगे। राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर किसका है, टेम्परेचर किसका है, अर्थ का है। बिलोंग कर रहा है ना, तो ऑफ आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहां पे ऑफ आ गया, ऑफ द अर्थ। It is true that there has been dash activities taking place. What activities taking place? कभी भी आंसर करना, आगे और पीछे के शब्दों को जरूर ध्यान से पढ़ना। Dash activities taking place. ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, किस लिए बढ़ा है? क्योंकि बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जो होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जो होती हैं जिसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सेवरल आ जाएगा, सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक ही बार टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर डैश। टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है अर्थ पे, ये टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज कर रही है। ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को ग्रेजुअली इफेक्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ऐसा नहीं होगा यार कि आज 20 है कल 40 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इस साल 20 है तो फिर 23 होगा, 24 होगा, फिर आपका 26, फिर होगा 30, 32, ऐसे बढ़ेगा। तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है हमेशा, किसी भी चेंज में हमेशा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। फिर आ जाता है आखिरी शब्द, ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ डैश। तो आपके सेंटेंस में चार है, मुझे लगा था कि सवाल देखने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मेल्टिंग ऑफ डैश है। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सब लोग। देखिए आपके सेंटेंस में मेल्टिंग ऑफ, मुझे लगा था कि आप लोग आंसर करोगे मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या यहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स।
ठीक है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे आपका टेस्ट ओवर हो गया है। अब हम शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड, 2 मिनट के लिए आ जाओ, जुड़ जाओ सब लोग, फिर से 5 तक गिनूंगी, उसके बाद रैपिड फायर राउंड शुरू हो जाएगा, एकदम स्पीड में आंसर करना है। 5, 4, 3, 2 और आखिरी है 1। टाइम्स अप, टाइम खत्म हो चुका है आपका। ये रहा पहला क्वेश्चन, एकदम स्पीड में आंसर करिएगा। आई ऑलवेज एंजॉय टू रीड बुक्स, क्या इसमें कोई एरर है या फिर नो एरर इज योर आंसर? कम ऑन, रैपिड फायर राउंड है तो रैपिड फायर की तरह ही चलना चाहिए, जल्दी से क्विक एंजॉय है। एंजॉय के बाद यहाँ पे दिया है 2+ verb का फर्स्ट फॉर्म जो कि गलत है। एंजॉय के अगर आपके सेंटेंस में होता है तो एंजॉय के बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रीडिंग, एंजॉय रीडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, कैप्टन अपनी टीम के साथ, हैज बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, इन दोनों को इन्वाइट किया गया था फंक्शन के लिए। Come on, speed up, quick. आपके सेंटेंस में कभी भी विद, अलोंग विद और टुगेदर विद आता है तो हम क्या करते हैं? अगर आपके सेंटेंस में कभी भी विद, अलोंग विद, टुगेदर विद आता है तो हम क्या करते हैं? हमको दूसरे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा वो पहले के हिसाब से लगेगा। तो पहले में क्या दिया गया है? कैप्टन, और कैप्टन सिंगुलर है, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। हमने देखा वर्ब यहाँ पे आया था, वर्ब तो पहले से ही सिंगुलर था, मतलब हमारे सारे पार्ट सही हैं एंड नो एरर इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट, मेरे पापा ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी हर जगह वो अपने पैरों पे जाते हैं। ये नहीं कि हर जगह के लिए गाड़ी उनको चाहिए होती है, वैसे आजकल की जो जेनरेशन है वो ज्यादा डिपेंडेंट होती है गाड़ियों पे। यार यहाँ पे जो ये बाय फुट लिखा है ना, ये बाय फुट गलत है। पता है क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर यहाँ पे किसी व्हीकल का ना, व्हीकल होती बाय साइकिल, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, सही होता, बाय के बाद व्हीकल आता है, फुट है अपने पैरों पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे फुट के लिए आता है ऑन फुट, ठीक। और अगर यहाँ पे कोई व्हीकल होती तब उसके लिए बाय आता, ऑन के बाद फुट आता है और व्हीकल के लिए आता है बाय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त, कॉल्ड ऑन मी ऑन येस्टरडे व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम, उन्होंने मुझे फोन किया जब मैं अपने घर से दूर था, और वो दोनों ही मेरे बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, देखते हैं कौन करता है। एक बात बताओ, अगर मैंने बोला माय फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन येस्टरडे, बस इतना बोलो माय फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन येस्टरडे, इसमें क्या एरर है मुझे सिर्फ ये बताओ, माय फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन येस्टरडे। यार आपके सेंटेंस में क्या लिखा गया है? येस्टरडे, येस्टरडे इज ऑलरेडी अ डे, इट्स ऑलरेडी अ पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में ऑन नहीं आएगा ना, डायरेक्टली आ जाएगा कॉल्ड मी येस्टरडे, ऑन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ माई इनमेंट फ्रेंड्स, ठीक है। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव द च्यूइंग गम दैट स्टक टू माई कैप, मुझे बड़ा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उस च्युइंगम को हटाने पे जो कैप पे चिपक गई है। सोचो कैप के अंदर आपके बाल हो और उस पे चिपक गई हो, तब कितना मुश्किल हो। कभी लाइफ में ये फील किया है? यार मेरे संग हुआ था बचपन में, एक बार मेरी जो च्युइंगम थी वो यहाँ पे चिपक गई थी, और फाइनली क्या हुआ, पूरे के पूरे बाल काटे गए। और च्युइंगम एक ऐसी चीज होती है ना जो हट ही नहीं सकती, आपको वो पूरा एरिया कट करना होता है। और आपको पता है मेरी एक फ्रेंड थी मोहल्ले में, वी वर प्लेइंग, बहुत ही बचपन की बात है यार, मतलब 2nd 3rd की बात है, मेरा च्युइंगम यहाँ पे चिपका था, ठीक है, तो मैंने इतना काट दिया, बाल छोटे हो गए, कोई बात नहीं, उसका च्युइंगम जस्ट इमेजिन यहाँ पे चिपका था, उसके में तो सीधे उस तरह लगा था। यार वो इतना रोई है भाई साहब, मुझे आज भी नाम याद है, काजल वॉज हर नेम, एंड शी क्राइड बिटरली आई वुड से द होल नाइट। सोचो यहाँ से, मतलब क्या कहानी याद दिला दी यार इस च्युइंगम ने, इस च्युइंगम के संग बड़ी यादें जुड़ी हैं। खैर इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे।
लास्ट क्वेश्चन वाली यार स्पीड तो बनती है यार, इसका आंसर सब लोग दो यार। लास्ट क्वेश्चन की स्पीड तो बनती है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये रिमूव्ड नहीं रिमूव होगा। ठीक, मैं यहाँ पे टेस्ट पता है क्यों करा रही हूँ, मैं चाहूँ तो एक टॉपिक भी करा सकती हूँ। टेस्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी डेली सिनोनिम्स की प्रैक्टिस हो रही है, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस हो रही है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, इतनी चीजें हो रही हैं एक क्लास में। ठीक, फिर मैं रैपिड फायर राउंड भी लेती हूँ अलग से, तो इसलिए मैं करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 10:30 मतलब 10:30 आ जाया करो सब लोग, और क्लास लेने के बाद कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिली जाती है 11:30 पे। अच्छा, 2-3 चीजें और आपको बताना चाहूंगी। चैंपियन सीरीज मेरे इतने बताने के बाद भी आज सुबह 8:30 पे चैंपियन सीरीज थी, बहुत से स्टूडेंट्स थे जो नहीं आए थे। मेरी बात एक बार यकीन करो, जस्ट फॉर वंस, कल सुबह 8:30 चैंपियन सीरीज का लेक्चर देखो, खुद देखो। मतलब ये सोचो कि एक दिन मैम कह रही है देखने को, मेरे कहने पे देखो। एक लेक्चर सिर्फ मैं आपसे 40 मिनट मांग रही हूँ सुबह सुबह 8:30। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड कर लिया, भाई साहब कसम से बता रही हूँ आपको यार, ऐसा फील होगा ना अंदर से, आपको ऐसा फील होगा कि यार इतनी चीजें मैंने सीखी हैं, और ये भी फ्री है, पेड थोड़ी ना है। तो सुबह 8:30 है कल, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड इट लाइव। कल मैं 5 ऐसी चीजें कराऊंगी, 5 क्या, मैं तो गिनूंगी भी नहीं फिंगर्स में, इतनी चीजें कराऊंगी। ठीक, 8:30 पे क्लास होगी। इसका जो लिंक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत डिस्क्रिप्शन खोलना, लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन करना, और अगर आप नए हो, पहली बार जा रहे हो, तो आपसे कोड पूछेगा, कोड डाल देना स्टडी। मेरी पेड क्लास, फ्री क्लास, सबका कोड स्टडी है। ठीक है, और देखो नीचे देख रहे हो आप, एक नंबर लिख के आ रहा है, नंबर एक लिख के आ रहा है, 9554249427 करके नीचे एक नंबर लिख के आ रहा है। ये नंबर पे अगर आप में से किसी को भी मेरे पेड बैचेस की जानकारी चाहिए, नीचे जो स्लाइड चल रही है इसमें फोन नंबर लिख के आ रहा है, अगर आप में से किसी को भी मेरे पेड बैचेस की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कतें हैं, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, आपके ऊपर है। ठीक, बाकी जो प्रोसेस है, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टली मेरे बैच में एडमिशन ले लेना है, तो मैं एक बार प्रोसेस बता दे रही हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम पे जाके एसएससी कैटेगरी को क्लिक करना, एसएससी कैटेगरी को क्लिक करके प्लस और आइकॉनिक में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्लस में भी सब मिलेगा, आइकॉनिक में भी सब मिलेगा। आइकॉनिक में 2 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। अगर आपके पास आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है और आपने डाउट पूछा, तो मुझे सबसे पहले आपका डाउट दिखाएगा, ये चीज एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी सब चीजें सेम है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि 6 months और 3 months का सब्सक्रिप्शन कोई नहीं लेगा, या तो 1 year या तो 2 year। कल मैंने नोटिस भी लिया था, फिर से बता रही हूँ, 1.5 साल तक नौकरियां ही नौकरियां हैं, चाहे 1 year का लो चाहे 2 year का। 2 year आपका इस टाइम पे लेने के लिए तो खैर बेस्ट है, कहीं ना कहीं जॉब मिली जाएगी आपको। एंड ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना कि 7,500 का कोर्स है, 6,500 में मिल रहा है, 1,000 रुपये, 800 रुपये का डिस्काउंट, ये तभी लगेगा, मिलेगा आपको जब आप इस कोड को लिखोगे। कोड नीचे दिख रहा है, कोड क्या है, कोड है स्टडी, STUDY। तो ये आपका कोड है, जब आप इस कोड को लिखोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, जल्दी से पूछो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, चलो मैं एक बार नंबर पढ़ दे रही हूँ, 9554249427, नीचे आपको दिख भी गया होगा, ये नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हो मेरे कोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, चलो जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट, एंड मिलते हैं कल सुबह 7:30 पे द हिंदू और 8:30 पे चैंपियन सीरीज, और वो आप अभी ही डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत ज्वाइन करोगे वरना भूल जाओगे फिर से। ठीक, जाओ और ज्वाइन करो सब लोग। बाय बाय, टेक केयर।